हम गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से आने के बाद शाम को मैंने बनाया कान्हा जी के लिए चूरमा और चूरमे का भोग लगा दिया। अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद फिर हम इसमें अपने डाल देंगे मसाले सारे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसमें फिर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और फिर इसमें थोड़ा सा मैं लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी मैं हल्दी इसमें डाल रही हूँ, और इन सारे मसालों को हमने मिला लेना है अच्छे से। और जब ये हमारे यार मसाले अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अपने छोले काले, और ये बिल्कुल टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बिल्कुल जैसे हम हलवाई बनाता है ना वैसे ही बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा पकाना है, और फिर हम इसमें जितने भी हमारे उबले हुए छोले हैं वो हम इसमें सारे डाल देंगे। ये देखिए, ना तो मैंने इसमें ज्यादा घी डाला है, और फिर हम इसको अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए ढक देंगे। और आटा मेरा गूंद गया है, अब मैं रोटी बना दूंगी। शनिवार को हम प्याज नहीं डालते हैं और छोले ही बनाते हैं काले ज्यादातर, क्योंकि शनिवार को छोले खाने अच्छे होते हैं। ये हमने गरम गरम रोटियां सेक दी हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया है, क्योंकि छोले के साथ हलवा बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल जगराते वाला टेस्ट आ जाता है। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है, और अब मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया। मुझे ये छोले ना मिला के खाना बहुत पसंद है हलवे के साथ, और अभी मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। बहुत स्वाद बने हैं, बिल्कुल जागरण जैसे स्वाद बने हैं हमारे हलवा और छोले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गेहूँ साफ कर रही हूँ, और कुछ साफ कर दिए हैं और कुछ मैंने अपने धूप में सुखा दिए हैं। धूप में सुखाने से गेहूँ अच्छे हो जाते हैं और आटा भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई है, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।